वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फिर कुछ क्वेश्चंस। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए जो चैप्टर का नाम है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट्स क्या होता है। तो पहले बात करते हैं स्क्वायर क्या होता है। देखिए स्क्वायर किसी भी चीज का आपको निकालना हो, चाहे वो कोई नंबर हो चाहे कोई वेरिएबल हो, किसी भी चीज के स्क्वायर का मतलब होता है कि आप उसी चीज को उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है वाई, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसके स्क्वायर को डिनोट करूंगा वाई रेस टू द पावर 2 से। और इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि हम जिस भी चीज का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वाई का स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा मैं वाई को वाई से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद वाई इंटू वाई करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा, मान लेते हैं वो है एम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वाई है उसका स्क्वायर होता है एम। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट आपको मिल रहा है यानी कि एम, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको नंबर में दिखाऊं तो मान लीजिए मेरे पास वन है और मुझे वन का स्क्वायर निकालना है, तो इसको मैं डिनोट करूंगा वन रेस टू द पावर 2 से। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि मैं वन को वन से ही मल्टीप्लाई करूंगा, और वन इंटू वन कितना आएगा, वन आएगा। इसी तरह से अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 रेस टू द पावर 2, ये डिनोट करता है 2 के स्क्वायर को, और फिर इसका मतलब हो जाता है कि मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 2 इंटू 2 यानी कि 4। इसी तरह से अगर मुझे 3 का स्क्वायर निकालना हो तो इसको मैं डिनोट करूंगा 3 का स्क्वायर यानी 3 रेस टू पावर 2 से, और इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम जिस भी चीज का स्क्वायर निकालते हैं चाहे वो कुछ भी हो, मान लीजिए 4 का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर जो हमें मिलता है वो क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपको ये नंबर नजर आ रहे हैं सारे के सारे जो किसी का स्क्वायर करके आ रहे हैं, किसी भी नेचुरल नंबर का या होल नंबर का स्क्वायर करके जो आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इनका एक अलग से नाम होता है स्क्वायर नंबर्स, या फिर हम इनको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। ये सारे जो मैंने लिखे तो नेचुरल नंबर है, आप चाहो तो जीरो भी लिख लो, ठीक है। जीरो का स्क्वायर कितना होगा, 0 × 0 और आंसर कितना आएगा, 0। 0 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। और इसके अलावा एक और बात, जैसे कि यहाँ पे वन है और यहाँ पे फोर है, तो वन और फोर के बीच में टू आ रहा होगा, थ्री आ रहा होगा, ठीक है। तो जो टू और थ्री है वो किसी भी होल नंबर या नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होते हैं, तो हम उनको परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे। यहाँ पे वन एक परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये वन का स्क्वायर आ रहा है, फिर टू का स्क्वायर फोर आ गया तो फोर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है, दोनों एक ही बात है, चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर बोलो या स्क्वायर नंबर बोलो। इसी तरह से नाइन भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 0 भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा भी आपको आगे बहुत से नंबर मिलेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर होंगे, ठीक है ना। तो आपको पहचान होनी चाहिए क्योंकि ये टर्म बहुत बार यूज होगी, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बहुत जगह यूज होगा इस चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। और एक बात और आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी स्क्वायर नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है ना, ये नॉन नेगेटिव होंगे, मतलब या तो जीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे। चलो ये तो बात हुई स्क्वायर की, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट क्या होते हैं। स्क्वायर रूट बिल्कुल इसका उल्टा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर मुझे किसी एक नंबर एम का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको मैं डिनोट करूंगा अंडर रूट से, ठीक है ना। अंडर रूट एम का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एम। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर मैं अंडर रूट के अंदर m की वैल्यू को ऐसे मल्टीप्लाई में लिख पाऊं, यानी कि जैसे कि y इंटू वाई, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा y। मतलब कि अगर मैं अंडर रूट में m को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं y इंटू वाई में, तो यहाँ पे मैंने दो बार लिखा है, एक बार y, दो बार y, ठीक है, तो ये एक बार लिखूंगा मैं यहाँ पे y, यानी कि अंडर रूट में अगर जो चीज दो बार में है वो हम बाहर सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास है 16, ठीक है, तो यहां पर देखो जो 16 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4, तो यहाँ पे अंडर रूट की जगह अंडर रूट रहने दो, 16 को आप लिख लो 4 × 4, तो यहाँ पर जो इसका अंडर रूट आएगा ना, 16 का अंडर रूट जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 4, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो बार लिखा, दो बार के बदले में एक बार लिखूंगा जब मैं ये अंडर रूट हटा दूंगा। यहाँ पर अंडर रूट था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर जो भी चीज दो बार मल्टीप्लाई में है, एक बार दो बार, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार लिखूंगा। तो देखिए मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ किसी भी नंबर के अंडर रूट की, तो इसका मतलब होता है कि इसका अंडर रूट वो नंबर होगा, वो नॉन नेगेटिव नंबर जिसका ये स्क्वायर था, यानी कि अंडर रूट 16 की बात करूंगा तो अंडर रूट 16 किस नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर था, 4 का, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका मतलब अंडर रूट 16 कितना होगा, 4 होगा। आपको एक बात याद रखनी है फिर से कि अंडर रूट के अंदर यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है रियल नंबर्स में, मतलब जो स्क्वायर रूट करने के बाद आएगा वो भी आप पॉजिटिव नंबर ही लोगे, ठीक
ठीक है। इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मान लीजिए अंडर रूट 25 निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, आप 25 को लिख सकते हो 5 × 5, ठीक है। यहाँ पर ये एक बार दो बार लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक बार आएगा बिना अंडर रूट के। तो मतलब क्या है कि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5, ठीक है। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। जो भी परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर स्क्वायर नंबर हो, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर लिखे हैं। इनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 यानी कि 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 × 9 81, 10 का स्क्वायर 10 × 10 यानी 100। इसी तरह से 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यहाँ से मैंने 20 तक लिखा है, ठीक है। इस चैप्टर में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर खास बात क्या है कि अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आया है, ठीक है, 1 में एक ही डिजिट है तो यूनिट प्लेस भी 1 ही है। इसी तरह से अगर आप 11 को देखो तो 11 और 1 में सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, और 11 के यूनिट प्लेस पे भी 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर अगर 1 आ रहा था तो 11 का स्क्वायर जो भी आया है उसका यूनिट प्लेस कितना है, 1 है, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर आया वो भी 1 है। इसी तरह से 2 का स्क्वायर अगर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 के स्क्वायर में लास्ट में देखो कितना आया है, 4 आया है। मतलब कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस अब 2 होगा, उसके स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा वो वही होगा जो 2 का स्क्वायर होता है। यानी 2 का स्क्वायर अगर 4 होता है तो आप कोई भी नंबर ले लो जिसका यूनिट प्लेस 2 होता है, चाहे वो 12 हो, 22 हो, 32 हो, 42 हो, किसी का भी आप स्क्वायर निकालोगे तो अब उसके यूनिट प्लेस पे आपको 4 ही मिलेगा। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। मतलब अगर आपको 10 तक के स्क्वायर याद हैं और आपसे किसी भी नंबर के, किसी भी बड़े से बड़े नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस पूछा जाए, तो आपको ये देखना है कि जिस भी नंबर का आपसे स्क्वायर पूछा गया है, स्क्वायर का यूनिट प्लेस, उसका यूनिट प्लेस क्या है। जैसे कि अगर आपको 6 का स्क्वायर याद है और 16 का याद नहीं है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो 16 का स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस का क्या डिजिट होगा, तो आपको ये देखना है कि भाई 6 का स्क्वायर, इसके लास्ट में 6 है, 6 के स्क्वायर में 36 आता है, मतलब यूनिट प्लेस कितना है, 6 है। तो पक्की बात है कि 16 के स्क्वायर का जो नंबर आएगा उसका भी यूनिट प्लेस 6 होगा। तो इस तरह से आपसे कुछ भी कोई पूछा आप बता सकते हो। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 27 का जो स्क्वायर आता है उसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, और आपको 27 के स्क्वायर याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, 27 का यूनिट क्या है, 7 है। तो यहाँ पे 7 के स्क्वायर में कितना आता है, यूनिट डिजिट 9 आता है। 49 का यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो मतलब 27 के स्क्वायर जो आएगा उसका भी यूनिट प्लेस का डिजिट कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब एक और बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर कैन बी, मतलब अगर हमारे पास कोई स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो उसके यूनिट प्लेस डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे तो यही रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे देखो 0 आ सकता है, ठीक है, तो 0 हो सकता है यूनिट प्लेस पे किसी भी स्क्वायर, अगर हमारे पास कोई नंबर है तो ये पॉसिबल है कि उसका यूनिट प्लेस 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो मतलब 1 भी हो सकता है। 2 अगर आप देखो तो किसी के भी यूनिट प्लेस पे आपको 2 नहीं मिलेगा, जो मैंने रेड से लिखे हैं ये स्क्वायर नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 2 कहीं भी आपको नहीं मिलेगा यूनिट प्लेस पे, मतलब 2 नहीं हो सकता है। 3 भी कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी नंबर के जो भी स्क्वायर नंबर होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे आपको 3 नहीं मिलेगा, मतलब 3 भी नहीं हो सकता है यूनिट प्लेस का डिजिट, ठीक है। 4 हो सकता है, ठीक है। 5 भी देखो यहाँ पे मिल रहा है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। 6 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 और 8 आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। 9 यहाँ पे हो सकता है, तो ये सारे जो डिजिट हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, ठीक है। इसके अलावा जो हमने देखा जो नहीं हो सकते थे वो कौन कौन से थे, वो मैं यहाँ लिखूंगा। यहाँ मैंने लिखा है यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। पहली बात, 2 नहीं हो सकते, ठीक है। 3 किसी भी स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसके यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा। 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। तो ये वो डिजिट्स हैं, ठीक है, जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकती हैं, और ये हो सकती हैं। तो अब देखो जो हमने यहाँ पे नोट किया ये हमारे किस काम आएगा, ये इस काम आएगा कि अगर कोई भी हमें नंबर गिवन है, ठीक है, और उसके यूनिट प्लेस में इनमें से कोई आ गया तो पक्की बात है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर इनमें से कोई आ गया तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर ये आएंगे तो पक्का नहीं है कि स्क्वायर नंबर होगा ही होगा, लेकिन अगर ये आ गए तो पक्का है कि वो नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है देखो कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक नंबर 278,
और मेरे से पूछा जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसका यूनिट प्लेस देखूंगा। यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये डिजिट जो है ये कभी हो ही नहीं सकते एक स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे। तो मतलब यहाँ पे अगर 8 है तो मैं बोलूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 110 लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसका यूनिट प्लेस देखता हूँ 0 है, तो 0 जो आ गया, अभी 0 आने से मैं ये नहीं कह सकता कि पक्का होगा। इनमें से कोई आएगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब इनमें से कोई आएगा तो पक्का नहीं होगा। मतलब होने का हम देख के डायरेक्टली नहीं बता सकते, उसके लिए हमें चेक करना होगा कि ये है या नहीं है, लेकिन ना होने का हम बता सकते हैं। इनमें से अगर कोई है तो ये कंफर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर इनमें से है तो मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मगर आपको एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, इसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। लेकिन 131 इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, उसके लिए हमें या तो याद होना चाहिए या हम निकाल के देखेंगे। यहां मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली देख के बताने की, तो डायरेक्टली अगर देख के बताना है बिना चेक किए तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर इनमें से कोई है यूनिट प्लेस पे तो पक्की बात है कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर इनमें से कोई है तो हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई एक प्रॉपर्टी की, अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है। अब देखो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कितने नंबर आ सकते हैं बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। मतलब अगर हमारे पास दो लगातार आने वाले स्क्वायर नंबर्स हैं तो उनके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो इसका आंसर है कि अगर मान लीजिए जो पहला स्क्वायर नंबर है वो एन का स्क्वायर करने पे आता है, और जो दूसरा स्क्वायर नंबर है वो एन प्लस वन का स्क्वायर करने पे आता है, तो इनके बीच में जो टोटल नंबर्स होंगे उसकी वैल्यू होगी 2n के बराबर, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो यहां से आप इसको कंपेयर करोगे एन के स्क्वायर से, ठीक है, और 3 स्क्वायर को आप कंपेयर करोगे एन प्लस वन के स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन स्क्वायर था उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4, और जो यहाँ पे एन प्लस वन, एन प्लस वन का मतलब क्या है, जो भी एन है उससे एक ज्यादा, यहाँ पे एन की जगह 2 है तो एन प्लस वन की जगह 2 प्लस वन यानी 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। अगर आप देखो कि 4 और जो 9 है इनके बीच में कौन कौन आता है, तो 4 और 9 के बीच में आता है 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो ये कितने नंबर हैं टोटल, ये 4 नंबर हैं, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 हैं। तो अगर आप फॉर्मूले से करो तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एन इनमें से छोटा वाला यानी कि 2, और एन प्लस वन की वैल्यू कितनी आ रही है, बड़ा वाला यानी कि 3। तो यहाँ से अगर आप, मैंने बोला सीधा 2n से भी निकाल सकते हो, तो अगर आप 2n का फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, तो 2 इंटू में एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है। तो हम ऐसे 1, 2, 3, 4 गिनने की बजाय डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं कि अगर 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में हमसे नंबर पूछा जा रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बताओ 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो फिर से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि यहाँ पे n की वैल्यू, देखो इन दोनों में से जो छोटा वाला है वो n है, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू में 3 यानी 6। मतलब इन दोनों स्क्वायर्स, इन दोनों का जो स्क्वायर करोगे जो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे उनके बीच में टोटल 6 नंबर आते हैं। चाहे आप करके देख लो, 3 का स्क्वायर आप निकालोगे, ठीक है, इसको आप कंपेयर करोगे एन के स्क्वायर से, और इसको आप कंपेयर करोगे एन प्लस वन के स्क्वायर से। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 और 16 के बीच में कौन कौन आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है और 15 आता है। तो अगर आप इनको गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने नंबर हैं, सारे 6 नंबर हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपको कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर आपसे एन का स्क्वायर और एन प्लस वन का स्क्वायर इन दोनों के बीच में पूछा गया कि कितने नंबर होंगे, तो आपका आंसर होगा 2n। मतलब जो यहाँ पे है उससे एक ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 7 होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स कितना होता है। पहले एन ऑड नंबर्स का अगर हम सम निकालें तो हमें क्या मिलेगा। ऑड नंबर्स आप लोग जानते होंगे, ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो। मतलब यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो अगर इनमें से कोई एक है तो हम कहेंगे कि वो ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए 13 जो है वो एक ऑड नंबर है कि नहीं, तो 13 का यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, मतलब वो भी एक ऑड नंबर है,
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम सम निकालेंगे पहले एन ऑड नंबर्स का तो वो कितना आएगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं पहले ऑड नंबर यानी वन से। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ मैंने एक ही ऑड नंबर लिया, यहाँ पे एन का मतलब है कि आप कितने ऑड नंबर ले रहे हो। ठीक है ना, आप कितने ऑड नंबर ले रहे हो उसकी वैल्यू आएगी एन। तो यहाँ मैंने एक ही ऑड नंबर लिया है, तो देखो अगर मैं इसका सम निकालू तो मतलब ये तो अकेला है, इसको जोड़ूंगा किसमें, तो यानी कि वन का ये वन ही रहेगा, किसी में भी नहीं जुड़ेगा। तो यानी अगर आप वन को अगर स्क्वायर में लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो पहला ऑड नंबर वन, इसके जस्ट बाद आने वाला ऑड नंबर कितना होगा थ्री, और अगर आप वन और थ्री का सम करो तो आपको कितना मिलता है फोर। अब आपको एक खास बात और नजर आएगी कि ये पहले कितने ऑड नंबर्स का सम है, ये पहले दो आने वाले ऑड नंबर का सम है, ये पहला और इसके जस्ट बाद वाला ये दूसरा। ठीक है, ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे अगर आप दो का स्क्वायर निकालो तब भी आपको टू का स्क्वायर कितना मिलता है, फोर ही मिलता है। इसी तरह से अगर मैं पहले आने वाले तीन ऑड नंबर्स ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वन, यहाँ पे लिखा थ्री और यहाँ पे लिखा फाइव, ठीक है, तो इनका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा फाइव प्लस थ्री यानी कि एट प्लस में वन यानी कि नाइन, और मैं नाइन को क्या लिख सकता हूँ, नाइन को मैं लिख सकता हूँ थ्री का स्क्वायर। यहाँ पे खास बात क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे तीन पहले आने वाले ऑड नंबर्स का सम निकाला तो वो तीन के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब मैं जितने भी ऑड नंबर्स लूंगा ठीक है, और उनका अगर सम निकालना चाहूं, मतलब अगर मैंने एन ऑड नंबर्स लिए हैं उनका मैं सम निकालना चाहूं, तो इसका आंसर आएगा एन का स्क्वायर। तो आपको एक बात याद रखनी है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स जो होता है वो होता है एन का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने लिखा वन प्लस में थ्री प्लस में फाइव, और इसके जस्ट बाद क्या आएगा, सेवन आएगा, ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इनको बिना जोड़े भी इसका आंसर बता सकता हूं, कैसे, देखो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कितने हैं, एक दो तीन चार, ये चार लोग हैं तो मैं चार का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है ना, ये एन की वैल्यू हो गई, एन का स्क्वायर, जैसे एन का स्क्वायर लिखा है, एन की जगह पे क्या है, चार है, तो चार का स्क्वायर कितना होता है, सिक्सटीन होता है। तो चाहे आप इनको जोड़ लो, सात और पांच बारह, बारह और तीन पंद्रह और एक सोलह, तब भी आपको सिक्सटीन ही मिलना है। मतलब आपको याद रखना है कि लगातार आने वाले ऑड नंबर्स, ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिखोगे वन प्लस फाइव लिख दिया आपने और थ्री को बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको सारे ऑड नंबर्स लिखने होंगे शुरू से, तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन अगर आप लिखते हो, ठीक है, कोई भी मैंने गैप नहीं दिया है बीच में ऑड नंबर्स का, तो इसका आंसर आप बिना जोड़े भी बता सकते हो। ठीक है, कितना होगा इसका आंसर, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, मतलब पांच का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर कितना होता है, पच्चीस। ठीक है, तो देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा, यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट बनता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है मेरा, मैं इसका उल्टा करूं, जैसे कि मुझे अगर अंडर रूट 25 निकालना हो, ठीक है, किस मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, बार बार सब्ट्रैक्ट करके, तो मैं क्या करूंगा, 25 देखो कैसे बनाए, इन पांचों को ऐड करके बनाए। ठीक है, तो मैं पहले इसमें से वन निकाल देता हूँ, फिर थ्री निकाल देता हूँ, फिर फाइव निकाल देता हूँ, फिर सेवन निकाल देता हूँ, फिर नाइन निकाल देता हूँ, सारा का सारा निकालने के बाद ये जीरो बचना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैंने सब कुछ निकाल दिया, तो जितनी बार में मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मुझे ये निकालना है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 25 में से शुरुआत करूंगा वन से, ठीक है ना, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, इसी तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तो मैं पहले 25 में से वन सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 25 माइनस वन कितना जाएगा, 24। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, 24। अब मैं 25 में से वन के बाद क्या आता है, वन के बाद थ्री आता है ऑड नंबर में, तो वन के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे थ्री, ये माइनस करूंगा तो 24 माइनस में थ्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, मेरे पास क्या बचा हुआ है, 21, तो मैं 21 में से, ठीक है, जो 21 बचा है इसमें से फिर क्या माइनस कर दूंगा, वन और थ्री हो चुके हैं, उसके बाद क्या आया, फाइव, तो मैं इसमें से फाइव माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें से फाइव माइनस करूंगा मेरे को यहाँ पे बचेगा 16। अब क्या बचा हुआ है, 16, 16 में से मैं अगला ऑड नंबर वन थ्री फाइव के बाद क्या आएगा, सेवन माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, नाइन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नाइन बचा हुआ है, नाइन में से, ठीक है, यहाँ पे बचा है नाइन, ठीक है, ये वाला नाइन, हर बार आप ये नंबर है ना इसको आगे आप यहाँ पे लिख रहे हो, 25 बचा था, फिर 21 बचा था यहाँ पे लिख लिया, फिर 16 बचा था यहाँ पे लिख लिया, अब ये 9 बचा था तो यहाँ पे लिख लिया। अब 7 के बाद क्या आएगा, 9, 9 माइनस 9 जीरो, अगर ये जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि जहां से हमने शुरुआत करी थी वो नंबर क्या था, 25, तो ये एक स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये जीरो नहीं आता, माइनस में चला जाता, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ठीक है, तो अब पता कैसे लगाएंगे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, देखो हमने कितने स्टेप में किया, ये मेरा पहला स्टेप था, ये मैंने दूसरी बार माइनस किया, ये मैंने तीसरी बार माइनस किया, ये मैंने चौथी बार माइनस किया, और ये मैंने पांचवी बार माइनस किया। कितनी बार माइनस किया मैंने, एक दो तीन चार पांच बार, या तो आप यहां से भी देख सकते हो, एक दो तीन चार पांच बार मैंने माइनस किया है, मतलब अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5।
इसी तरह से आप इसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो। मान लीजिए आपसे पूछा जाए अंडर रूट 16 है, इसकी वैल्यू निकालो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, ठीक है ना। बहुत से मेथड होते हैं अंडर रूट निकालने के, अभी आप सीखोगे आगे आने वाली वीडियोस में। पहले आप देखो यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसको कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, 16 में से, ठीक है, पहला ऑड नंबर माइनस कर दो, जो यहाँ पे है कितना है, 1 है, तो 16 - 1 यानी 15 बचेगा। यहाँ पे एक बार आपने सब्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद 15 बचा हुआ है, तो आप 15 यहाँ लिखोगे। 15 में से फिर एक के बाद क्या आता है ऑड नंबर, कौन सा आता है, 3 आता है, ठीक है। यहाँ पे आप 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 12। जो है 12 बचा है आप यहाँ लिख लो, या आपने दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। फिर 12 - 1, 3 के बाद क्या आएगा, 5। तो यहाँ से आप 12 - 5 करोगे, 7 मिलेगा, तीसरी बार आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर जो 7 है इसमें से आप क्या माइनस करोगे, 1, 3, 5, इसके बाद क्या आता है, 7। तो 7 - 7 कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो आपने 1, 2, 3, 4 बार माइनस किया और आपको 0 मिल गया। जहां पे 0 मिल जाए वहां रुक जाओ। तो अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है ना। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब इस मेथड से हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई अंडर रूट 12 है हमारे पास, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, तब हम नहीं बता पाएंगे। क्यों क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप 12 में से क्या करोगे, पहले आप 1 घटाओगे, ठीक है, तो 12 - 1 यानी 11 बचेगा। फिर 11 में से 1 के बाद क्या आता है ऑड नंबर्स में, 3, तो 3 घटाओगे आपको 8 मिलेगा। फिर जो 8 बचा है यहाँ पे लिख लो, 1, 3 कितना आ गया, फिर 5, तो 8 में से 5 घटाओगे कितना मिलेगा, 3। फिर जो 3 है यहाँ लिख दोगे, 3 - 5 के बाद क्या आएगा, 7, 1, 3, 5, 7, यहाँ पे आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 में से 7 नहीं घटेगा, 7 - 3, 4, 7 में से घटाया तो 7 के आगे निशान क्या है, माइनस। यहाँ पर जो वैल्यू आई वो कैसी वैल्यू आ गई, निगेटिव। जब भी आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, जो अंदर 12 लिखा हुआ है, इस 12 की बात कर रहा हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तरीका एक और चीज में यूज होता है, आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करो, अगर लास्ट में 0 बच जाता है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर था जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है, ठीक है ना, और अगर नहीं बचता है तो मतलब वो नहीं था, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इस मेथड को बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अब देखो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। मतलब कि आपके पास कोई एक ऑड नंबर है उसका आप स्क्वायर निकालते हैं, तो आपको जो स्क्वायर मिला उसका उसको आप दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर के सम के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आपको याद रखना है कि जो भी आप यहाँ पे जिसका भी स्क्वायर निकाल रहे हो वो एक ऑड नंबर होना चाहिए, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया, 9। अब मुझे 9 को एक्सप्रेस करना है दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर के सम के रूप में, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखो जिसका भी ये स्क्वायर है उससे आप एक बार एक कम करो, यानी 3 के स्क्वायर में से एक कम कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आपको पहला नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से जो 3 का स्क्वायर है उससे आप एक ज्यादा करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो यहां से आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, तो मतलब यहाँ पे 9 - 1 यानी कि 9 - 1 यानी 8 डिवाइड बाय 2, तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 9 + 1 कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5, ठीक है। तो मतलब जो मुझे दो नंबर मिले जो लगातार होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए और नेचुरल होने चाहिए, वो क्या है, 4 और 5। तो यहां से आप देख लो, चाहे 4 + 5 करोगे तो 4 + 5 आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपसे कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, बस वो ऑड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब मुझे 5 के स्क्वायर को, या तो आपसे क्वेश्चन में लिखा होगा 5 का स्क्वायर, या सीधा दे देंगे 25, इसको हमें एक्सप्रेस करना होगा दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर्स के रूप में। तो हम इसको कैसे करेंगे, फिर से वही, जो 5 का स्क्वायर है उससे आप एक बार एक कम करो, एक ज्यादा करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो 5 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2, या फिर 5 के स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, अगले स्टेप में आपको 25 लिखना ही है, तो आप चाहो तो शुरू में ही 25 लिख लो, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही करो, आपकी मर्जी है। तो 5 का स्क्वायर +1 डिवाइड बाई 2, मतलब जिसका भी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, उस पूरे स्क्वायर को यहाँ पर एक बार लिखना है, -1 करना है, एक बार +1 करना है, और दो दो से डिवाइड कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 24, ठीक है, मैंने एक स्टेप यहाँ गायब कर दिया है। 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 यानी 24, डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक
है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा 13। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 12 प्लस 13 में, 12 और 13 को मैं ऐड करूंगा मुझे कितना मिलेगा 25। लेकिन देखिए आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे जो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसमें गड़बड़ी है। यहाँ पे असलियत में होल नंबर होना चाहिए था। होल नंबर क्यों होना चाहिए था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप 1 के स्क्वायर को एक्सप्रेस करना चाहोगे दो नेचुरल नंबर के सम के रूप में तो इसको नहीं कर पाओगे, जबकि 1 भी तो एक ऑड नंबर है, मतलब ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो मतलब ये भी एक ऑड नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप यही रूल लगाओगे तो यहाँ पे लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 1 0, ठीक है, 0 डिवाइड बाई 2, और 0 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 0 डिवाइड बाई 2 0 आता है, और 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 एक होल नंबर होता है। इसी तरह से यहां से आप करोगे तो 1 का स्क्वायर देखो 1 हो गया, ठीक है, प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 डिवाइड बाई 2 1 होता है, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, तो मतलब 0 को आप लिख रहे हो 0, 1 को आप लिख रहे हो 0 प्लस 1, ठीक है। ये भी दो लगातार आने वाले नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता 0, तो ये होल नंबर है। 0 क्या है, होल नंबर है, तो असलियत में यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए था, बट क्योंकि एनसीईआरटी में आपके नेचुरल नंबर ही लिखा हुआ है तो मैंने पहले नहीं बताया, नहीं तो आपको लगता गलत है, पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया फिर मैंने आपको बताया कि वहां पे होल नंबर क्यों होना चाहिए था, ठीक है। अब ये तो ही कॉन्सेप्ट की बात, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन की। अब देखो जो एक्सरसाइज 6.1 है इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब जो भी हमें नंबर्स गिवन है इनके स्क्वायर्स का यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा। तो पहले पार्ट में दिया हुआ है 81, ठीक है, तो 81 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताना है, तो 81 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 रेस्ट टू द पावर 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पर जिसका यूनिट प्लेस आएगा उसमें भी कितना आएगा 1 आएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि आपको जो भी नंबर दिया गया है उसका आप यूनिट प्लेस देख लो, जैसे 81 का यूनिट प्लेस क्या है, देखो 81 है, 81 का स्क्वायर, 81 का यूनिट प्लेस क्या है 1 है, तो हम देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आया, तो मतलब इस पूरे के स्क्वायर के बाद जो यूनिट प्लेस आएगा उस पे 1 लिखा होगा। इसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है वो है 272, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करो 4 मिलता है, मतलब जो इसका स्क्वायर करने के बाद नंबर आएगा वो बड़ा सा एक नंबर होगा लेकिन उसके यूनिट प्लेस पे 4 ही लिखा होगा। इसी तरह से देखो जिसका अगला पार्ट है यहाँ पे मुझे बताना है 799 का, अगर मैं स्क्वायर करूँ 799 का स्क्वायर तो इसके यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या आएगा, तो इसके यूनिट प्लेस डिजिट पे आएगा, देखो यहाँ पे कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर करो 81, 81 के यूनिट प्लेस पे क्या होता है 1 होता है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कितना था 9, तो मैंने क्या किया 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर 81 आया और यूनिट प्लेस पे कितना मिला 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, मतलब इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने सिर्फ 3 पार्ट को सॉल्व करके दिखाया, इसके बाकी बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो इजी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं आप सीधा शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन, मतलब जो भी हमें नंबर यहाँ पे गिवन है ये बात पक्की है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है इसका कारण हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये दोनों रूल्स पता होने चाहिए, अगर आपको ये दोनों रूल्स पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। पहला रूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी चुका हूँ, पहला रूल क्या है, इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 2, 3, 7 और 8, मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए, तो ये बात पक्की है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये पहला रूल है। इसके अलावा जो डिजिट होते हैं, ठीक है, वो अगर आते हैं, मतलब 2, 3, 7, 8 के अलावा जो बच गए वो डिजिट अगर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, लेकिन अगर ये आएंगे तो पक्की बात है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये पहला रूल है जो मैं आपको बता चुका था पहले भी। और ये दूसरा रूल जो नया है वो क्या है, वो ये है कि इफ ए नंबर हैज ओड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं नंबर के लास्ट में, यानी कि 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो हम बोलेंगे कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 के आगे आप 1 0 लगाते हो, यहाँ पे कितने जीरो हैं, सिर्फ 1 0 है, 1 क्या होता है ओड, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे मैंने 3 0 लगा दिए, तो यहाँ पे 1 0 था, यहाँ 3 0 है, 3 भी एक ओड नंबर होता है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इस तरह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3
और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 0 लगा देता हूँ। 5 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 0 आए, मतलब क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। जब भी एंड में, ठीक है, नंबर के इस तरफ लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो हम बोलेंगे कि ये बात पक्की है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। देखिए, ऑड जीरोस हैं तो नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि इवन जीरोस होंगे तो होगा ही। अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है, अगर इवन जीरोस होते हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केस हो सकते हैं वहां पे। मतलब वहां हम कुछ पक्का नहीं बोल सकते। जैसे कि 100 देख लो आप, 100 के लास्ट में 2 0 है, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप 500 ले लो या आप 200 ले लो, तो ये तो नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, दोनों केस हो सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस केस को हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो दोनों हो जाता है, हम कंफर्म नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो कंफर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको बस ये दो रूल्स पता होने चाहिए थे। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला हमें नंबर दिया गया है वो है 1057। यहाँ पे मैंने लिखा 1057 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 7। इसकी यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है, 7 है। एंड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव यूनिट प्लेस डिजिट 2, 3, 7 और 8। इनमें से कोई भी नहीं सकता। अब इनमें से एक आ गया इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरह से जो इसका दूसरा नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे देखो 3 है, तो सेम रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो भी हमें नंबर गिवन था कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 3, ठीक है। 3 भी नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी होगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 8 है इसीलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सेम रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8। इसी तरह से यहाँ पे 2 है इसलिए नहीं हो सकता है ये, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 है इसलिए नहीं होगा, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, अब मैंने आपको बताया था कि ये पहला रूल तब लगेगा जब 2, 3, 7 या 8 हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, जीरोज हैं लास्ट में। तो लास्ट में कितने जीरो हैं यहाँ पे, लास्ट में 3 0 हैं। 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरो है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 64,000 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। मतलब एंड में परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होती हैं, लेकिन इसके में है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसी तरह से इसमें क्या लिखोगे आप, लास्ट में 2 है, ठीक है, तो अगर 2 है यूनिट प्लेस पे तो ये नहीं हो सकता है। इसमें देखो ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3 0s आ गई तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या है, 1 0 आ गई, ठीक है, अगर 1 0 है तो ये भी मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ये भी नहीं होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस इस केस में इन दोनों जीरो को नहीं गिना है, आप देखोगे एंड में कितने हैं। उसके पहले अगर कोई नंबर या डिजिट यहाँ पे आ जाता है तो उसको आप छोड़ दो, उसके पहले के जीरोस को। यहाँ पे आपको देखना कितने जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं, एक। एक भी ऑड नंबर होता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। इसीलिए सारे नंबर जो था ये ओबियस था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, सबका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।